स्वागत है आप सभी का अनुज किचन में। वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आज हम बनाएंगे खांडवी। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ग्राइंडिंग जार में मैं 1 कप बेसन ले रहा हूँ, 1 कप दही लेंगे, फेटी हुई दही लेना फ्रेंड्स। अदरक और मिर्ची का पेस्ट लिया है। अब हम इसमें ऐड करेंगे स्वाद अनुसार नमक, 1 पिंच हल्दी। अब जिस कप से हमने दही लिया था ना, उसी सेम कप से आप 1 कप पानी ऐड करें। अब हमें इसे अच्छे से इसकी प्यूरी बनानी होगी। प्यूरी आप देख सकते हैं अच्छे से बन गई है। चलते हैं गैस की तरफ। यहाँ मैंने इसे एक पैन में डाला है। अब हमें इसे कंटिन्यू मिक्स करना होगा। 1 भी मिनट हम इसे छोड़ेंगे नहीं फ्रेंड्स। अगर छोड़ देंगे तो इसमें गुठलियाँ पड़ जाएंगी। हमें लो फ्लेम पे कंटिन्यू मिक्स करना होगा। 2 मिनट्स हो गए हैं फ्रेंड। आप देख सकते हैं कैसे इसने अपना पहले से टेक्सचर बदल लिया है। थोड़ा गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसे और कंटिन्यू मिक्स करना होगा। टोटल इसे बनने में 10 मिनट्स लगेंगे। अभी 2 मिनट हो गया है। 5 मिनट हो गए हैं फ्रेंड्स। आप देख सकते हैं पहले से इसने अपना और गाढ़ा हो गया है। हमें इसे कंटिन्यू फ्रेंड्स चलाना होगा। अगर हम 1 मिनट भी इसे छोड़ देंगे ना तो ये 8 मिनट हो गए हैं। आप देख सकते हैं ये पहले से कितना गाढ़ा हो गया है। अब हमें इसे एक प्लेट पे हल्का सा लगाकर चेक करना होगा। यहाँ मैंने साइड में रखा था। अगर आपकी खांडवी ऐसे पतली शीट में अगर फोल्ड हो रही है तो हमारी खांडवी तैयार है। अब हमें एक प्लेट में इसे फैलाना होगा। प्लेट में घी ऑयल कुछ मत लगाना। अब यहाँ 1 लैडर फुल हम लेंगे। आप चाहें तो नाइफ की मदद से या स्पैचुला की मदद से आप इसे फैला सकते हैं। यहाँ हमें एकदम पतली शीट इसको फैला लेनी है। आप देख सकते हैं मैंने इसमें 2 थाली में इसको अच्छे से फैला लिया है। अब हमें इसे कट लगाना होगा। ठंडा नहीं करना है फ्रेंड्स, आराम से आप इसमें कट लगा लीजिए। मैंने यहाँ पट्टी में कट किया है इसको। अब हमें इसे नाइफ की मदद से हल्का सा उठाकर फोल्ड करना होगा। आप पतले पतले फोल्ड करते रहिए, आपके हो जाएंगे। पतली खांडवी बनकर तैयार है, आप देख सकते हैं। अब हमें इसे चलना होगा तड़का लगाने की तरफ। यहाँ मैंने तड़के पैन में 1 चम्मच ऑयल ऐड करेंगे। अब हम इसमें ऐड करेंगे हींग 1 पिंच। अब हम इसमें ऐड करेंगे राई, थोड़े से कड़ी पत्ता। गैस की फ्लेम को हमें ऑफ करना होगा। अब इसमें हम डालेंगे वाइट तिल, मिला देंगे इन सबको। चलते हैं तड़का लगाने की तरफ। आप इसे चम्मच की मदद से हल्का हल्का इनके ऊपर फैला देंगे तड़के को। इसमें हम ऐड करेंगे फ्रेश नारियल घिसा हुआ। अगर आपके पास ये ना हो तो आप डेसिनेटेड कोकोनट यूज़ कर सकते हैं, नारियल का बुरादा। ज़्यादा हमें नहीं डालना, स्प्रिंकल करके थोड़ा सा डाल दीजिए जिससे फ्लेवर अच्छा आएगा। अब इसमें ऐड करेंगे धनिया पत्ता। धनिया पत्ती को भी हमें थोड़ा सा गार्निशिंग के लिए डालना है। आप देख सकते हैं ये लीजिए हमारी बाजार जैसी खांडवी है घर में तैयार। यकीन मानिए फ्रेंड्स, जैसा मैंने बताया अगर आप वैसे फुल वीडियो देख के अगर आप बनाएंगे ना तो बिल्कुल आपकी भी खांडवी ऐसे ही बनेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग।